टू ऑपरेट वॉशिंग मशीन है, सेंसर्स लगे हुए हैं, ये कपड़े की टाई लॉजिक जो है बड़ा यूजर फ्रेंडली होता है। तो सबसे पहले हम इसके प्रोग्राम्स की तरफ आते हैं। अच्छा रैंक किया जाता है इसे मार्केट में, इसकी जो कैबिनेट है। वेलकम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर से होंगे। मैं हूं आबेर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से और आज हम मौजूद हैं अपने हायर स्मार्टफोन में और आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है हायर की टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अगर मैं इसकी वॉशिंग एंड स्पिनिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो 8 kg है। अगर इस वॉशिंग मशीन की प्राइस, इसके प्रोग्राम्स, फंक्शंस और फीचर्स को देखते हुए मैं ये कहूं कि ये एंट्री लेवल की वॉशिंग मशीन है तो ये गलत नहीं होगा, यानी कि ये इजी टू ऑपरेट वॉशिंग मशीन है। स्पेशली हमारे वो कस्टमर्स या हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं और प्लान बना रहे हैं एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेज करने का, तो उनके लिए बेस्ट चॉइस है। अमूमन जो जिनके घरों में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उनके एक फियर होता है माइंड में कि ये जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बड़ी मुश्किल होती हैं इन्हें ऑपरेट करना, इनके प्रोग्राम्स और इस तरह की बाकी चीजें। तो इस वॉशिंग मशीन को लेके आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रखें, ये एंट्री लेवल की वॉशिंग मशीन है, रफ एंड टफ है, इजी टू ऑपरेट है। अगर मैं इस मॉडल की मार्केट एक्सेप्टेंस की बात करूं तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रैंक किया जाता है इसे मार्केट में। इसकी मेन वजह एक तो इसकी अफोर्डेबल प्राइस और दूसरे इसके जो प्रोग्राम्स हैं, फंक्शंस हैं, फीचर्स। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जो इसका एक रिव्यू करेंगे कि देखने में प्रोडक्ट कैसी लगती है, इनसाइड और आउटसाइड का एक मैं रिव्यू लूंगा, इसके बाद इसके प्रोग्राम्स, इसके फंक्शंस और ओवरऑल जो फीचर्स हैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आएगी इसकी ऑफिशियल वारंटी और एंड में प्राइस। चलिए इस प्रोडक्ट का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वॉशिंग मशीन के कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं कि देखने में कैसी लगती है। ये लाइट ग्रे कलर में, यानी कि इसका टॉप और इसकी जो कैबिनेट का कलर है ये ग्रे कलर है। ये पहली लुक में एक एंट्री लेवल के वॉशिंग मशीन का फील देती है। ये देखिएगा इसका जो लिड है वो भी लाइक बेसिक टाइप है, फोल्डेबल है। ये आगे चल के मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। इसकी जो कैबिनेट है ये स्टील की बनी हुई है, PCM यानी कि पेंट कोटेड मटेरियल में है, ये रस्ट फ्री है। अगर हम ये नीचे की तरफ जाएं तो इसके एडजस्टेबल फीट हैं, ये देखिएगा ये बेसिकली वॉशिंग मशीन को बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं। ये एक फुट है राइट हैंड साइड पे और ये लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर मैं वॉशिंग मशीन के टॉप पे आऊं तो ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका फोल्डेबल लिड यानी के डोर है, ये फोल्डेबल है, ये देखिएगा प्लास्टिक का बना हुआ। अब क्योंकि ये एंट्री लेवल का मॉडल है तो ये टेम्पर्ड ग्लास में नहीं आता। यहां सामने टॉप बैक पे आपको इसका वाटर इनलेट नजर आ रहा होगा, ये सिंगल है, वॉल्व के साथ आता है। अब ज्यादातर वॉशिंग मशीन्स जो हैं सिंगल इनलेट के साथ आती हैं, यहां आपको मिक्सचर लगाना पड़ता है गर्म और ठंडे पानी का। तो चलिए अब हम वॉशिंग मशीन का इनसाइड रिव्यू कर लेते हैं। ये सामने आपको इसका पिलो ड्रम नजर आ रहा होगा जो कि हायर का पेटेंट है। इस पे ये पिलो की जो शेप्स हैं ये बनी हुई हैं, ये फैब्रिक फ्रेंडली होती हैं। ये सामने आए तो इसका एक लिंट फिल्टर है, इसमें दो लिंट फिल्टर्स हैं बेसिकली, एक इस साइड पे है। ये लिंट फिल्टर्स जो हैं डिटैचेबल हैं, आप इन्हें टाइम टू टाइम साफ करते रहें क्योंकि यहाँ जो फ्लफ है, जो कपड़ों में से धागे या फ्लफ निकलता है वो यहाँ आके ठहर जाता है। ये अगर हम बॉटम की तरफ जाएं तो ये पल्सेटर है या इम्पेलर जो कि कपड़ों की मूवमेंट में अहम किरदार अदा करता है। ये इनसाइड ड्रम है और ये बैक साइड बैक वॉल है इसकी। ये सामने आपको इसके माइक्रो होल्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ से जो पानी है वो अंदर बाहर की तरफ मूव करता है और फोम बनाता है। यानी कि अगर हम सामने की तरफ जाएं तो ये इसका डिटर्जेंट बॉक्स है, यहाँ आपने पाउडर्ड फॉर्म में जो है डिटर्जेंट डालना है। तो व्यूअर्स देखने में आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी, तो चलें अब हम इसके प्रोग्राम, फंक्शंस और जो इसके फीचर्स हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ ये आपको जो कंट्रोल पैनल है, यहाँ इसका हायर का लोगो नजर आ रहा होगा, वन टच, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर राइट हैंड साइड पे आए ये पिलो ड्रम जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये ऑटो रिस्टार्ट ये इसका एक फीचर है और फजी ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम इसके प्रोग्राम्स की तरफ आते हैं। ये 8 प्रोग्राम्स के साथ आती है। अगर यहाँ से मैं काउंट करूँ तो ये नॉर्मल है, सोक है, डेलिकेट है, क्विक है, वॉश है, रिंस है, स्पिन और टब ड्राई। ये तो इसके 8 प्रोग्राम्स हैं। तो ये टॉप पे इसका नॉर्मल का फंक्शन है, बेसिकली ये फजी लॉजिक है, फजी लॉजिक जो है बड़ा यूजर फ्रेंडली होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। आप जब भी इस वॉशिंग मशीन में कपड़े और डिटर्जेंट डालेंगे और यहाँ से प्रोग्राम की सिलेक्शन नॉर्मल पे करेंगे तो अब ये वॉशिंग मशीन करेगी क्या, क्योंकि इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं,
ये कपड़े की टाइप और डर्ट को देखते हुए वाटर लेवल को डिसाइड करेगी, और इसके अलावा जो तीन साइकिल होते हैं, वॉश होता है, रिंस होता है और स्पिन, उसकी टाइमिंग्स को डिसाइड करेगी। और आजकल की जितनी मॉडर्न वॉशिंग मशीन्स हैं उसमें ये प्रोग्राम आता है। अब इसी तरह इसमें एक प्रोग्राम है सोक, लाइक आपने अगर कपड़े भिगोने हैं सिर्फ तो आप सोक के प्रोग्राम पे आएंगे। डेलिकेट ऐसे कपड़े बच्चों के, तो इसका जो भी वॉश साइकिल होगा उसकी टाइमिंग्स और वाटर लेवल को ये खुद डिसाइड करेगी। बेसिकली इसमें प्रोग्राम्ड होते हैं और क्विक है ये, 15 मिनट में जो क्विक वॉशिंग करेगी। अगर आपने जल्दी में कपड़े धोने, हाँ डिपेंड करता है कि आपने कितने कपड़े डाले हैं, और नॉर्मली ये 2-3-4 केजी के जो भी वेट के कपड़े होते हैं उन्हें बड़े जल्दी धो लेती है। इसी तरह वॉश है, अगर आपने सिर्फ वॉश इसमें करने हैं, अगर आपने इसमें रिंस नहीं करना या स्पिन नहीं करना है तो सिर्फ वॉश पे आएंगे, ये प्रोग्राम्ड है, इसमें जितना भी इसने टाइम लेना है वो लेगी रिंस। अगर आपने हाथ से कपड़े धोए हैं और रिंस करना चाहते हैं, निथारना चाहते हैं, तो आप सिर्फ निथारेंगे, और अगर इसी तरह धुले हुए कपड़ों को आप सिर्फ स्पिन करना चाहते हैं तो प्रोग्राम को आप स्पिन पे लेके आएंगे और ये कपड़ों को स्पिन कर देगी, यानी कि ड्राई, तकरीबन ड्राई कर देगी। और ये आठवां फंक्शन जो है टब ड्राई का है। बेसिकली आप इससे जब आपने वॉशिंग कर ली और अब आप इस टब को ड्राई करना चाहते हैं तो प्रोग्राम को टब ड्राई पे लेके आएंगे। ये प्री प्रिपेयर्ड प्रोग्राम है। वॉशिंग मशीन्स में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ये प्री प्रिपेयर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, इसकी मेमोरी में होते हैं, आपने सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट करना उन्हें। इसी तरह अगर फंक्शंस की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, सिर्फ वाटर लेवल का एक फंक्शन है। यहाँ से आप अगर वाटर लेवल को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब मैं आऊँगा इसके फीचर्स की तरफ, तो ये सामने आपको चाइल्ड लॉक, ये इसका फीचर नज़र आ रहा होगा। आपने वाटर लेवल और प्रोग्राम को 3 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखना है, तो ये जो इसका कंट्रोल पैनल है ये लॉक हो जाएगा ताकि बच्चे इसे डिस्टर्ब ना करें। और इसमें ऑटो रिस्टार्ट का फीचर भी है। ऑटो रिस्टार्ट में होता क्या है कि ड्यूरिंग वॉशिंग अगर आपकी लाइट चले गई है तो जो भी आपने इसमें वॉश साइकिल या वॉश प्रोग्राम सेलेक्ट किया था, ये लाइट गई और जो भी रिमेनिंग बाकी टाइम होगा इसको लाइट आने पे पूरा करेगी। इसका मतलब ये है कि लाइट आने पे आपको दोबारा जो है इसका प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं नटशेल में बात करूं तो ये जो वॉशिंग मशीन है बहुत यूजर फ्रेंडली है, जैसा कि आप इसके कंट्रोल पैनल में इसके प्रोग्राम और फंक्शंस को देख सकते हैं, बाकी मशीन्स की तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो व्यूअर्स, अब मैं बात करूंगा इस वॉशिंग मशीन की प्राइस की, एज ऑफ टुडे यानी कि 18th October 2022, तो इसकी प्राइस है ₹43,500। स्क्रीन पे आपको हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा नुमाइंदा मौजूद होता है। अब मैं बात करूंगा हायर की तरफ से अपनी वॉशिंग मशीन पे ऑफिशियल वारंटी की, तो हायर अपनी वॉशिंग मशीन की मोटर पे 10 ईयर्स की वारंटी देता है। बाय द वे इसमें जो मोटर लगी है वो इंडक्शन AC मोटर है, यानी कि बेल्ट वाली, और इसके PCB पैनल जो कि ये फ्रंट पे है कंट्रोल पैनल, इस पे 3 ईयर्स की और पार्ट्स पे 1 ईयर। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।